नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वैशाली पाटिल, मैं आप सभी का मेरे इस सेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस अवसर पर आइए दोस्तों, हम अपने आज़ादी के 75 साल को और उससे जुड़ी हुई हर बात को याद करते हैं, उससे जुड़े हुए लोगों को, उससे जुड़े हुए संस्कृति और उससे जुड़ी हुई उपलब्धियों को भी, और उसके गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए चलिए दोस्तों, हम अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का या बातों का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और इसी हेतु को याद रखते हुए आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगी। आज का मेरा विषय है भारत में उद्यमिता विकास, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसे जानने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसे कौन चलाता है, इसे क्या सोसाइटी को फायदा होने वाला है, देश को क्या फायदा होने वाला है, और इसे चलाने वाले में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो कौन सा काम करता है, अगर ये बहुत ही देश के प्रति एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है तो अपनी सरकार ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, इन सारी बातों का यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की संकल्पना से, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मेरे हिसाब से एक अपार शक्ति है या मानवीय भावना है, क्योंकि लिए अपने ये जो पृथ्वी पे जो भी भौगोलिक खोजे हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप से ही संभव हो गई है। इसीलिए दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एंटरप्रेन्योरशिप ना देश की बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था उसको एक गतिविधि देती है। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, हर एक देश में उसका निर्माण होना और उसका डेवलपमेंट होना। अभी इसकी व्याख्या के बारे में बात करना जाएंगे तो इसकी कोई निश्चित ऐसी परिभाषा नहीं है। हर एक लेखक ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुभव से इसकी व्याख्या बनाई है, और हर लेखकों ने अलग अलग परिभाषा में उसको अलग अलग तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। किसी ने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो एक ऐसा बंदा या ऐसे बंदे से जुड़ी हुई बातें जो बंदा जोखिम उठाता है। कोई कहता है कि एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो नए नए चीज़ों को नए नए तरीके से, नए नए ढंगों से लोगों के सामने रखता है, और मतलब ये जो जोखिम उठाना, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन, यानी कि नयापन, ये दो एंटरप्रेन्योरशिप के दो बड़े ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर हम लोग जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो ये दो शब्द, यानी कि जोखिम उठाना और इनोवेशन, नयापन होना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई लोग तो यहाँ तक कहता है कि कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ये थ्रिल सीकर होते हैं, वो बहुत चैलेंजिंग ऐसे टास्क करते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के भले के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए एंटरप्रेन्योर को जन्म दिया जाता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसी परिभाषा है जो नए व्यापार, नए व्यवहार को जन्म देती है, और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे बहुत सारे गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। तो ये रही बात हम लोग एंटरप्रेन्योर के बारे में। अभी आइए हम लोग जानते हैं कि इसे चलाता कौन है। इसे चलाता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो वो बहुत सारे रिस्क उठाता है, बहुत सारे नए नए आइडिया उसके दिमाग में आती है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि
ऐसा बंदा जो जिसके दिमाग में नई आइडिया आई है। अभी ये नई आइडिया वो और जो नई संकल्पना है वो लोगों के पास उसको पहुंचानी है। कैसा होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है या संकल्पना होती है वो इंटेलेक्चुअल लेवल का बात है, वो दिमाग में निर्माण होती है। अभी देखो बिजनेस आइडिया किसी एक के दिमाग में आ सकती है, लेकिन उसके ऊपर काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को लेके या लोगों का सहारा लेना पड़ता है। मतलब बिजनेस आइडिया एक्शन में अगर उतरना है तो हमें मैन पावर की जरूरत है। और ये जो दिमाग में बिजनेस प्लान आया है वो बिजनेस प्लान हम लोग सही ढंग से अगर अपनी इम्प्लॉयज, अपने सबॉर्डिनेट, अपने वर्कर के पास पहुंचाएंगे तभी जाके वो समझेंगे। तब वो समझने के बाद वो अच्छे तरीके से वो बिजनेस प्लान को कन्वर्ट करके एक्शन में एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका रिजल्ट अच्छे ढंग से आ सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है जिसके दिमाग में ये बिजनेस करने का आइडिया जो आया है वो अपने जो मैन पावर के पास उसको पहुंचाना है सही ढंग से, इसीलिए उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है। उसके पास बहुत सारे ऐसे एबिलिटी और स्किल्स ज़रूरी है, जैसे कि एक तो इनोवेटर, अभी मैंने बोला कि नई संकल्पना उसके दिमाग में आने चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्किल रिक्वायर्ड। उसके बाद उसके पास एक डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल मतलब सही वक्त पे सही काम करे, ही हैज़ टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ये जो स्किल है डिसीजन लेने की, मतलब कैसा होता है ना, कभी कभी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं या परिस्थितियां निर्माण होती है कि उसमें बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी है वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर को मिलती है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। अभी ये सारे एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे ये बदलते गतिविधियों में से होने वाले जो फायदे है उसको कैसे बोल ले, और ये बदलते हुए गतिविधियों में जो बदलाव की वजह से जो प्रॉब्लम होने वाले उसको कैसे अपने से दूर रखे। ये सारे जो क्वालिटी है ना एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, और ये करने के लिए राइट डिसीजन मेकिंग स्किल उसके पास होना बहुत ही ज़रूरी होना होता है। एंटरप्रेन्योर ये ऐसा बंदा होता है कि वो हमेशा तत्पर रहता है, वो ओपन माइंडेड होना चाहिए। हमेशा बदलाव जो होता है वातावरण में या उसके आजू बाजू में, वो वातावरण को वो ठीक ढंग से समझे और वो वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदले, और वो बदलने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। वो बदलने के लिए उसकी मानसिकता होनी चाहिए, और इसीलिए उसको ओपन माइंडेड होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो ये सारे जो बदलाव है पॉजिटिवली ले और उसके हिसाब से वह अपने आप को आपके अपने आप को बदल के अपने आप बिजनेस को वो सिचुएशन के हिसाब से डाले और उसके हिसाब से वो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करे। अभी हम लोगों ने देखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो इनोवेशन एंड रिस्क टेकर, आई मीन रिस्क टेकिंग, ये दो पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनोवेटर के साथ साथ ये बंदा रिस्क टेकर भी होना ज़रूरी है। रिस्क टेकर मतलब कैसे होता है कि कभी कभी ये नई जो आइडिया होती है, नई जो चीज़ें यूज करता है बिजनेस में, नई तरीके वो लाता है बिजनेस में, कभी सक्सेस भी हो सकती है, कभी अनसक्सेस भी हो सकती है। मतलब लोगों को अच्छी भी लग सकती है, लोगों को अच्छी भी ना लग सकती है। अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, इधर तो रिस्क का नाम ही नहीं रहेगा क्योंकि वो चलेगी, मार्केट में चलेगी। हाँ, लोगों को अगर वो अच्छी नहीं लगी तो ये रिस्क हो सकता है। रिस्क इसलिए कहा जाता है जब लोगों ने पसंद नहीं किया तुम्हारे प्रोडक्ट को, तुम्हारे वो बिजनेस करने के तरीकों को, तो शायद, मतलब कैसा ना, अपना बिजनेस एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल के ऊपर है।
अगर उनको ये नई आइडिया जचे नहीं या रास नहीं आई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसी चीज़ों का मतलब ही क्या है। तो ये बहुत मेहनत के बाद हम लोगों ने ये सारे चीज़ें लोगों के लिए अवेलेबल करके दिया और उन्होंने पसंद नहीं किया तो हमें उधर ही रुकना पड़ता है। इसीलिए कभी क्या हो सकता है हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड उसके लिए हमें भी तैयार होना चाहिए। ये जो एंटरप्रेन्योर है वो बंदे को टेक्निकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि लिए क्या होता है कि जब वो काम करता है, लोगों से करवाता है, नए नए टेक्नोलॉजी नए नए टेक्निक के साथ वो काम करता है, तो मार्केट में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का स्पीड है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और उसी के साथ उसका जो अडॉप्शन है, उसको हम लोग जो एक्चुअल में यूज़ करते हैं, उसका स्पीड बहुत कम है। लेकिन अगर हम लोग को इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में रहना है तो हमें ये नए नए तकनीकी और ये जो नए टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आए हैं उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएंगे और इस कॉम्पिटिशन को फेस करेंगे। अभी कैसा होता है कि बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होते ही रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, और शुरू शुरू में जब कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो शुरू में उसको बहुत सारे अप डाउन्स देखना पड़ता है। ऐसे टाइम वो बंदे को अपना पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसमें पैशन होना चाहिए। हाँ, पैशन रहेगा तभी वो जाके हार्ड वर्क करेगा तभी जाके उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन कैसा होता है ना, पैशनेट है, हार्ड वर्किंग स्किल है, सारी चीज़ें हैं, मतलब कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो होने के बावजूद भी मार्केट में सक्सेस मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और इसीलिए एकदम से आशा छोड़नी नहीं चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस से क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे एफर्ट्स लेते हैं, हम अपना काम जारी रखना चाहिए, हम लोग को यही आशा पे काम करना चाहिए कि ये जो परिस्थितियाँ है वो बदल सकती है। वो परिस्थिति को बदलने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, उसको हम लोग यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। सो पेशेंस होना चाहिए कि भाई सिचुएशन अगर अप डाउन हो तो भी वो बंदा टट के खड़ा रहे। अभी ये बंदे के पास एक अच्छा ह्यूमन रिलेशंस करने का स्किल होना चाहिए, क्योंकि वो हर एक लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, सोसाइटी के हर एक मेंबर से, चाहे वो सोसाइटी मेंबर उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। अभी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस में कैसा होता है कि नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स रिक्वायर्ड, जैसे इम्प्लॉयज़ है, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है, बैंक है, सप्लायर्स है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, और एंटरप्रेन्योर को हर एक लोगों का और उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और एक एग्जांपल देती हूँ कैसा ख्याल रख सकता है, उसको इम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, अच्छा रिलेशन मतलब क्या, ह्यूमन ग्राउंड पे कंसिडरेशन करना चाहिए अपने लोगों को, उनको खुश रखना चाहिए, क्योंकि यही इम्प्लॉयज़ है ना वो कस्टमर को खुश रखते हैं, अगर इम्प्लॉय खुश तो ही जाके अपना कस्टमर खुश रह सकता है। तो अभी भाई इसको इम्प्लॉय को कैसे खुश रखे, इम्प्लॉय को खुश रखने के लिए पहला उसके साथ अच्छे से बातें करो, अच्छे से बातें मतलब अच्छा ट्रीटमेंट करो ऑन ह्यूमन ग्राउंड पे, कोई भी बेसिस पे उसका भेदभाव नहीं करो, जैसे कि ये पुरुष है ये महिला है, जैसे कि ये कास्ट का है, ये अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का, ये रिलीजन का, ये वो रिलीजन का, या अमीर है या गरीब, कोई भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। किसी भी मैन पावर के साथ, किसी भी इम्प्लॉय के साथ बायस होके बात नहीं करनी चाहिए,
हमेशा ये जो एंटरप्रेन्योर है उसको अनबायस बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए, लोगों के साथ डील करना चाहिए। तो उसके पास इन सारी चीजों के अलावा एक लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप क्वालिटी में लोगों के साथ, लोगों को लेके, लोगों की भलाई के लिए सारे ये जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको कंडक्ट करनी है, तो उसको एक लीड लेना पड़ता है, उसको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ता है, उसको लोगों को मार्गदर्शन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी उसके पास होना बहुत जरूरी है। ये सारी क्वालिटी उसके पास है, लेकिन वो सारी क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल, लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी अपने इंडिया में कैसा एंटरप्रेन्योर्स अप्रोचेबल होता है, लेकिन अपने इंडिया में बहुत सारे लोगों की एक परिधारणा है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल मतलब वो एंटरप्रेन्योर या तो सक्सेसफुल आदमी को है ना इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। भाई इंग्लिश नहीं आएगा तो क्या वो बंदा आगे नहीं जाएगा? जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे रिलायंस धीरूभाई अंबानी, उनके पास कौन सा ऐसा डिग्री था, प्रोफेशनल डिग्री था, उनके पास कहाँ की इंग्लिश का नॉलेज था, फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर साबित हुए। यहाँ पे इंग्लिश ना आने की वजह से लोगों में बहुत सारे इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। ये जो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हटा दो, भाषा सिर्फ एक माध्यम है अपने आप को लोगों तक पहुंचाने का। अगर आप अपनी भाषा में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। यह हम लोग लैंग्वेज बैरियर्स कहते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए यह एंटरप्रेन्योर में। अगर इसमें ये सारे गुण हैं तो भाई इन गुणों के साथ वो बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी कंडक्ट कर सकता है, बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं अभी कि ये जो एंटरप्रेन्योर है वो करता क्या है, वो करता क्या मतलब वो सारे बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करता है, और बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए प्लानिंग होना बहुत जरूरी होता है। यानी एंटरप्रेन्योर ये प्लान करता है कि कौन सी चीज कब करनी चाहिए, कैसे करने चाहिए, किसको लेके करने चाहिए, और किस कौन से तरीके से करनी चाहिए, क्या रहेगा तरीका, इस सब के बारे में ना वो प्लान बनाता है। और वो प्लान वो लोगों को समझाता है, लोगों को मतलब यहाँ पे इम्प्लॉयज को समझाता है। इम्प्लॉय जब अच्छे तरीके से समझे कि एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है, किस तरीके से वो काम को अंजाम देना चाहता है, ये चीजें अगर इम्प्लॉय समझे और उसके ऊपर काम करे, तब जाके वो सही डायरेक्शन से उसको रिवॉर्ड मिल सकता है वो काम का। सो यहाँ पे प्लानिंग फॉर बिजनेस एक्टिविटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य एंटरप्रेन्योर करता है। प्लानिंग तो किया उसने, अभी ये प्लानिंग को एक्चुअल में, एक्शन में लाने के लिए उसको हर अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस लगते हैं, जैसे मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, जैसे फिजिकल रिसोर्सेस में हम लोग कह सकते हैं कि पैसा, मशीन्स, मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर के पास एक मतलब लाइक एक फोरकास्टिंग स्किल होना चाहिए कि कौन से और कितने प्रोपोर्शनेट में उसको रिसोर्सेस लगने वाले हैं, कब लगने वाले हैं, और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना उसको आना चाहिए। सही ढंग से इस्तेमाल और सही वक्त पे इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो सही ढंग से काम करेगा और सही ढंग से उसको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। सो ये जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल है उसके पास होना चाहिए, यानी प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज किया,
फिर उसको डायरेक्ट करना है एम्प्लॉयज की, भाई ये प्लान और उसको एक्चुअल एक्शन में लाने के लिए जो रिसोर्सेस उसने जो अरेंज करके दिया है उसको कैसे इस्तेमाल करें और कैसे मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट वो निकाल सकता है, उसके लिए उसको गाइडलाइन देना पड़ता है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना पड़ता है। और मोटिवेटिंग फैक्टर बहुत सारे हैं, बहुत तरीके हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मॉनेटरी मेथड है मोटिवेशंस के, नॉन मॉनेटरी मेथड है मोटिवेशन के। ये एंटरप्रेन्योर को देखना चाहिए कि कौन से सिचुएशन में कौन से एम्प्लॉय को किस तरीके से वो उत्तेजन दे सकता है, इनकरेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, ताकि वो एम्प्लॉय वो बंदा वो एंटरप्रेन्योर के लिए इफेक्टिवली काम करे। अभी हम लोगों ने देखा था कि एंटरप्रेन्योर रिस्क बेयरिंग भी होता है, हर काम में जोखिम है, जोखिम के सिवाय हम लोग सक्सेस के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। कुछ करना करेंगे तो ही बोलते हैं ना, काम करने से ही काम में कुछ गड़बड़ होगी, गड़बड़ी होगी तो ही हम लोग सीखेंगे कि भाई ये आगे जाके गड़बड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सही ढंग से काम होना चाहिए। सो एंटरप्रेन्योर, ये जो एंटरप्रेन्योर है वो सही ढंग से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है रिसर्च करना, वो बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करता है, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता है। मतलब अगर उसको अगर नए मार्केट में नए उत्पादन के साथ उसको एंट्री लेनी है तो वो पहला जानता है कि उसका टारगेट कस्टमर कौन है, उसका मार्केट में कौन कॉम्पिटेटर है, ये कस्टमर के क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, सब वो जान लेता है और उसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट बनाता है और लोगों को वही उनको जो चाहिए जिस जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे उनके जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो प्रोड्यूस भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो ये सारे जो एक्टिविटीज़ है ये सारे एक्टिविटी परफॉर्म करता है ये एंटरप्रेन्योर। अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें बहुत सारे एबिलिटी होना चाहिए, बहुत सारे गुण होना चाहिए ताकि ये सारे वो एक्टिविटी कर सकते हैं, कर सकता है। अगर उसने सही ढंग से काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया तो उसको तो खुद को तो फायदा होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ देश को भी फायदा होने वाला है। अब देश को कैसा फायदा होगा ये देखते हैं। देश को फायदा इस तरीके से होगा कि ये बंदा अगर बिजनेस करेगा, कोई नया व्यापार करेगा तो क्या होगा, पहला खुद को वो स्वयं रोजगार देगा, ठीक है। जब वो व्यापार करेगा, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करेगा तो उसको लोगों की जरूरत लगेगी, यानी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला तो क्या होगा कि वो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो उनका वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो थोड़ा बढ़ेगा, आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ेगा, परचेसिंग पावर उनका बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा यानी वो मोर एंड मोर जो गुड्स है वो परचेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन परचेस करना, मतलब हम डिमांड बढ़ा रहे हैं। डिमांड बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, है ना, आर्थिक जो डेवलपमेंट है देश का वो आगे जाएगा, नेशनल इनकम जनरेट होगा। मतलब देखो एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस की वजह से कितना सारा बेनिफिट मिलता है, पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री ये भी बढ़ सकता है। अभी और दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब ये फायदा क्या है, उसका क्या कंट्रीब्यूट करता है एंटरप्रेन्योर्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम जनरेशन, पर कैपिटा इनकम जनरेशन, ये सारी बातों के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जाता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अभी कैसा होता है रीजनल डेवलपमेंट, मतलब अर्बन सेक्टर में जहाँ पे शहर होता है ना, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट होती है और इसीलिए ना लोग गांव से माइग्रेट होके ये शहरों में आ जाते हैं काम की तलाश में,
और काम की तलाश में अभी कैसा होता है, सबको तो काम नहीं मिल सकता है, जो बेरोजगार रहते हैं, जिनको काम नहीं मिलता है, अभी जीने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और वो जीने के लिए अगर काम नहीं मिला तो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ सकती है, चांसेस है इसके, और बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। वो ना हो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन रीजनल बैकवर्ड एरियाज। मतलब अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने एक छोटा सा बिजनेस या मेरा जो फैक्ट्री है, मैं किसी रिमोट एरिया मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में जब उसको सेटअप करती हूँ, तो क्या होता है, मैं वो आजू बाजू के जो लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देती हूँ, या यहाँ से लोग वहाँ पे जाएंगे एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, अभी वो काम के बहाने जाएंगे तो उनका परिवार भी उधर आएगा, परिवार आएंगे, बच्चे आएंगे, तो उनका एजुकेशन करना ज़रूरी रहेगा, यानी हम लोग को मेरा बिजनेस क्या है, लोग आए, फैमिली लेके आए, यानी यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये जिम्मेदारी बढ़ती है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट हैज़ टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। मेरा बिजनेस करने के लिए मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे जो वाटर सप्लाई चाहिए, मुझे जो रोड कंडीशन है, ये सारा डेवलपमेंट गवर्नमेंट करता है, और यहाँ के जो इम्प्लॉई है वो जो जब रहने आ जाते हैं तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, स्कूल्स ओपन होते हैं, यहाँ पे लाइक शॉपिंग मॉल्स आ जाते, यानी वो एरिया डेवलप हो जाता है, और इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा देता है रीजनल डेवलपमेंट को। सो इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करना। अभी अगर ये इतनी ही ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी देश के लिए, तो देश की सरकार को भी बहुत सारी मतलब लाइक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या बहुत सारी सुविधा देनी चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स को, और गवर्नमेंट वैसा देती है। अभी मैंने आपसे बात की क्वालिटीज और एबिलिटी की, उसको बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, और ये बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये जो इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो, या आप बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग, ये जो सारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर के एबिलिटी स्किल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में किस तरीके के बिजनेस प्लान को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट में उसको उतारा जाता है, वो बिजनेस प्लान, वो बिजनेस प्रोजेक्ट को किस तरीके से उसको उसको देखा जा सकता है, मतलब ये तुम्हारा बिजनेस अभी जो तुमने बिजनेस प्रोजेक्ट बनाया या बिजनेस प्लान बनाया, वो आगे जाके सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसके लिए वो प्रोजेक्ट के ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये अगर एंटरप्रेन्योर ने कोई बिजनेस प्लान बनाया या कोई बिजनेस प्रोजेक्ट बनाता है, तो हर एक एस्पेक्ट से वो बिजनेस प्रोजेक्ट का स्टडी हो जाता है। मतलब उसको कहते हैं ना फिजिबिलिटी स्टडी, मार्केट में ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट फिजिबिलिटी, टेक्निकल फ्रेमवर्क में ये प्रोजेक्ट बैठता है या नहीं बैठता है उसके हिसाब से स्टडी, लीगल कंस्टेंट है या नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क में वो प्रोजेक्ट को बिठाया जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में, मतलब हर एक पहलू में वो प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एस्पेक्ट से उसको स्टडी किया जाता है। वो कैसे करना होता है, इसकी ट्रेनिंग भी इन इंस्टीट्यूट से दिया जाता है। ये जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, वह अपने देश के साथ साथ मतलब देश के जो अपने लोग हैं उनके
जो जरूरत है उनकी तो जरूरत पूरी करता है, उनके साथ साथ वो इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। तो गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूट के जरिए ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करता है एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए उनको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। इनोवेटिव मेथड्स कैसे वो इन्वेंट कर सकता है, कैसे वो मार्केट में ला सकता है, इसका ट्रेनिंग भी दिया जाता है। बहुत सारे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं कि भाई तुम किसी काम को किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके के पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन तुमको मेंटेन करना है, इन सारी बातों का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट अपने और से सारे युवक यानी जो यंग एंटरप्रेन्योर है उनको एनकरेज करते हैं और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी तो प्रोवाइड करते ही है। अभी रही ये जो युवा, उनके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग और घटक बोल सकते हैं वो है विमेन एंटरप्रेन्योर। विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अपने भारत में भारत सरकार बहुत ही प्रोत्साहन देती है कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं वो महिला कर सकती है, उनको बहुत ही कम ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन फैसिलिटी अवेलेबल करके देती है, कभी कभी तो इंटरेस्ट फ्री लोन भी अवेलेबल करके देती है। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये इस एरिया, मैंने शुरू में आपको बोला था कि एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे देश का और अपने देशवासियों का बहुत ही भला हो सकता है। तो ये कैसे हम लोग को जरूरी है या इम्पोर्टेंट है फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री, ये जानेंगे हम लोग। एंटरप्रेन्योरशिप ना कैपिटल फॉर्मेशन करता है। देखो, अगर मैंने बिजनेस कोई छोटे लेवल पे स्टार्ट किया तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा बिजनेस सेटअप हो जाता है तो मैं मेरे आजू बाजू के यानी मुझे बिजनेस करने के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत होती है, तो मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हूँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हूँ। मेरी बिजनेस की वजह से चार लोगों को काम मिलता है, चार लोग जिनको काम मिलता है, काम मिलता है मतलब इनको इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है, पैसा मिलना शुरू हो गया तो वो खर्चा शुरू करना शुरू करते हैं, खर्चा शुरू कर दिया मतलब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, उनका परचेसिंग पावर बढ़ा, वो मोर और मोर गुड्स कंज्यूम करने लगेंगे और इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करता है। उसी के साथ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अभी कैसे होता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मोस्टली अर्बन सेक्टर में अवेलेबल है, तो सारे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे लोग आ जाते हैं, फिर अपना बहुत सारे प्रॉब्लम वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज। सारे गांव के लोग अगर यहाँ शहरों में आएंगे काम करने के बहाने तो ये शहर क्राउडेड हो जाएगा, क्राउडेड होगा, किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जिसको नहीं मिलेगी वो जीने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो क्रिमिनल एक्टिविटी भी बढ़ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो ये ना हो, तो वो ना होने के लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरिया, डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरियाज, जैसे रीजनल डेवलपमेंट। अगर मैं बिजनेस करना चाहूँ और मैं बिजनेस कोई ऐसे एरिया में, रिमोट एरिया में करना चाहूँ,
मेरे मैंने वहाँ पे सेटअप किया तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उनको डेवलप करना पड़ेगा, मेरे बिजनेस को इलेक्ट्रिसिटी पावर लगेगा, मेरे बिजनेस को वाटर सप्लाई लगेगा, मेरे बिजनेस को रोड कंडीशन लगेगा, तो वो गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इसलिए मैं बिजनेस करूँगी, मैं वहाँ पे बिजनेस करूँगी तो वो एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, इनकम मिलेगा, लोगों का जब लोग वहाँ काम करने आएंगे तो वो वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे रहेंगे उनकी फैमिलीज आएंगे, यानी एक सोसाइटी डेवलपमेंट डेवलप हो सकती है ना, वो वहाँ आएंगे उनकी सोसाइटी आएंगे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप करना पड़ेगा, हेल्थ फैसिलिटी हैव टू बी प्रोवाइडेड, ये सारी चीज़ें निर्माण हो सकती है और ये निर्माण की वजह से वो एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है। वो एरिया का डेवलपमेंट क्यों हुआ कि मैंने अपना बिजनेस वो एरिया में जाके सेटअप किया और उसकी वजह से वो उधर के लोगों को मैंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, तो इस वजह से इस तरीके से बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद आप जब कमाएंगे, एंटरप्रेन्योर जब कमाएंगे तो दे हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ द रेवेन्यू। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा एक अच्छा एंटरप्रेन्योर्स होने के लिए कौन सी एबिलिटी कौन सी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, अगर ये एबिलिटी और क्वालिटी हम लोग को वो एंटरप्रेन्योर में डेवलप करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन किए हैं जिसके माध्यम से ये जो आजकल के युवा युवती है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है गुजरात में अहमदाबाद में, ये बहुत 1983 से ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश है, इसमें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ही यही है कि ये अपने आजकल के यंग जनरेशन युवा युवती है कि वो बिजनेस की ओर मुड़े, खुद का बिजनेस शुरू करे, यानी अपने आप के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, अपने आप के साथ अपने आजू बाजू के लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, इसका मौका वो यंग जनरेशन को देना चाहते हैं और उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी में, मैनुअल्स में, टूल्स में बहुत इम्फोसाइज किया है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस करने के लिए कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, किस डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन रखना ज़रूरी है, कहाँ से फाइनेंस मिलेगा, कौन फाइनेंशियल अथॉरिटी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा ये देखती है कि जो युवक युवती नए आइडिया के साथ आगे आ रहे उभर रहे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करें, उनको आर्थिक सहायता दें, इसके लिए बहुत सारी स्कीम भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और बहुत सारे माध्यम लाइक द इंस्टीट्यूशन में बोल रहे हो जैसा स्मॉल स्केल सर्विस इंडस्ट्री है, सिर्फ बिजनेस यानी कमोडिटी में नहीं तो सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारी संधि उपलब्धियाँ है, तो उसको अच्छे से निभाने के लिए अपने बच्चों तक पहुँचाने के लिए ये माध्यम खुला हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप कितना इम्पॉर्टेंट है अपने आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकती हूँ और आशा करती हूँ आप सबको आज का विषय समझ में आया रहेगा। धन्यवाद।